दोस्तों जैसे ही यहाँ हम प्ले के निशान पर क्लिक करेंगे, हमारी फोटो ऑटोमेटिक फिनिशिंग के साथ पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 फोटो हमारे तैयार हो चुके हैं। ओरिजिनल फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इसकी ओरिजिनल फोटो है और ये हमारी ऑटो फिनिशिंग के साथ पासपोर्ट फोटो तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसके 12 फोटो भी प्रिंट आउट कर सकते हैं और आप चाहे तो 6 फोटो भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ लेयर पैनल पे आके एक लेयर को हाइड कर देना है तो आपके 6 फोटो इस तरह से रह जाएंगे। आप 6 निकाल सकते हैं या 12 निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको तिरछे में निकालना है तो कंट्रोल टी करके माउस से राइट क्लिक करेंगे और 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। आप इस प्रकार से भी 6 फोटो का प्रिंट आउट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस एक्शन को अपने खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ दिखाऊंगा किस तरह से हमें इस एक्शन को क्रिएट करते हैं और आपको और ये एक्शन काम कैसे करेगा, किस तरह से इसको यूज में लेना है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एक्शन को सेव करते हैं और कैसे उसको फोटोशॉप में लोड करते हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और अगर आपको इस एक्शन की डाउनलोड फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने फोटोशॉप में एक फोटो ओपन कर लेनी है और एक्शन बनाने के लिए विंडो में जाके यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा एक्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें अपने एक्शन को परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे डबल तीर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें न्यू साइट है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी नाम रखेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ न्यू एक्शन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हम कोई भी नाम रख सकते हैं अपने एक्शन का, और फंक्शन की आप रखना चाहे तो यहाँ से फंक्शन की रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फंक्शन की ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ सीधा डायरेक्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हमारा एक्शन रिकॉर्ड मोड में आ चुका है। अब जो भी काम हम फोटो पे करेंगे वो यहाँ पे सेव होता चला जाएगा इस एक्शन में। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, फोटो को बड़ा कर लेंगे और क्रॉप टूल लेके ऊपर साइज रखेंगे। हमें 4x6 की शीट पे 12 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज में, तो इसका साइज थोड़ा छोटा बनेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। 1.2 इंच और 1.4 इंच और 300 रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे फोटो को इस प्रकार से और एंटर प्रेस करेंगे। आप अपनी इमेज की एक्शन शुरू करने से पहले बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें बैकग्राउंड कोई चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक्शन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करनी है तो एक्शन यूज करने से पहले अपनी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें कंट्रोल एम करके और कर्व ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फोटो को लाइट डार्क जितना कर सके, करना चाहे वो कर सकते हैं, ओके कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल बी करेंगे। यहाँ पे कलर आप अपनी इमेज में बना सकते हैं अपनी इमेज के अनुसार, जिस भी कलर की आप सेटिंग करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं और ओके करेंगे। आप कंट्रोल एल करेंगे और यहाँ से आप इमेज को ब्राइटनेस कर सकते हैं और ओके करेंगे। अब हमें फिल्टर में जाके और यहाँ पे नॉइस पे जाके जेपीजी क्लिनिक पे जाना है। यहाँ समूथनेस आप 10-20 जितना चाहे उतना यहाँ पे रखेंगे, ओके करेंगे। और अब हमें कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद एडिट पे जाके यहाँ स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ से 5 पिक्सल रखेंगे। आप चाहे तो कम भी रख सकते हो और लोकेशन को सेंटर में रखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस इमेज को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी तो ये इमेज हमारी कॉपी हो चुकी है। और मूव टूल सेलेक्ट करके कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम 4x6 की शीट लेंगे और ओके करेंगे। इंच में लेनी है हमें, इस चीज़ का ध्यान रख लेना है और ओके कर लेंगे। अब हमें जो फोटो को कॉपी किया था यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगी और ऊपर लेके आएंगे माउस से पकड़ के और कंट्रोल जे से कॉपी कर लेंगे। माउस से पकड़ के राइट साइड में लेके आएंगे या कीबोर्ड के एरो बटन से ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल जे से कॉपी और कर लेंगे
इस तरह से हमें ऊपर लाइन में तीन फोटो एडजस्ट करने हैं। आपको पहले वाले को क्लिक करके इस तरह से हिला लेना एक बार, और दूसरे वाले को सेलेक्ट करके आगे पीछे कर लेना है, तीसरे वाले को सेलेक्ट करके इसे भी आगे पीछे कर लेना है। और इसके बाद हमें इन तीनों फोटो को एक लेयर में बनाना है। उसके लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे दो बार, कंट्रोल दबा के दो बार ई प्रेस करेंगे तो ये तीनों फोटो एक लेयर में आ जाएगी। और अब हमें कंट्रोल जे से कॉपी करनी है और माउस से पकड़ के नीचे कर लेना है, कीबोर्ड के एरो बटन से इस तरह से सेट कर लेना है। और अब हमें इन छह फोटो को एक लेयर में तैयार करना है, तो कंट्रोल ई करेंगे एक बार, एक बार कंट्रोल ई करेंगे तो ये छह फोटो एक लेयर में आ जाएंगे। और अब हमें फिर से कंट्रोल जे से कॉपी करना है और फोटो को पकड़ के नीचे लेके आएंगे इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारी 4x6 की शीट पे 12 फोटो तैयार हो चुके हैं। और अब हमें यहाँ से इस एक्शन को स्टॉप कर देना है, ये यहाँ पे एक्शन में स्टॉप का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्शन यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अब हमारा एक्शन काम कैसे करेगा आपको एक बार ये और बता देता हूँ मैं। अब जैसे ये हमारा एक्शन है, सबसे पहले तो हम अपने इस एक्शन को सेव करेंगे ताकि विंडो कभी डले या फोटोशॉप कभी दोबारा इंस्टॉल करे तो यहाँ पे हम इसी एक्शन को यूज कर सके। यहाँ से इस एक्शन को इस तरह से सिलेक्ट करके और ऊपर तीर के निशान पे जाएंगे, यहाँ पे सेव एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ और आप कहीं पे भी अपने एक्शन को सेव कर लेंगे। अब एक्शन काम कैसे करेगा चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने ये फोटो ओपन कर ली और यहाँ पे प्ले का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो कुछ इस तरह से तैयार होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो परफेक्ट तरीके से क्रॉप नहीं हो पाएगी और ज़्यादा लाइट डार्क इस तरह से हो जाएगी और अच्छे से क्रॉप भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इन्हें हमें यहाँ पे टिक करके रखना है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इसी फोटो को। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है तो यहाँ आगे एक बॉक्स है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर्व्स का है इसको भी क्लिक करेंगे, कलर बैलेंस का इसको भी क्लिक करेंगे, लेवल्स का है इसको भी क्लिक करेंगे, और बाकी जो है इनको खाली रखना है इन बॉक्सों को इस प्रकार से। और अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्ले के निशान पे तो यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम अपनी इमेज को जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं इमेज के अनुसार। और इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करते ही कर्व्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ से अगर फोटो ज़्यादा लाइट हो जाए तो यहाँ से डार्क कर सकते हैं और ओके करेंगे। इसके बाद कलर बैलेंस का ऑप्शन आएगा, कलर बैलेंस यहाँ पे कम ज़्यादा इमेज के अनुसार कर सकते हैं, ओके करेंगे। और यहाँ पे फोटो को ब्राइटनेस करेंगे लेवल्स पे, ओके करेंगे, या हम स्मूथनेस रख सकते हैं कि 10:20 जितना चाहे, और यह भी ओके करेंगे। और हमारी फ़ोटो ऑटोमेटिक 4x6 की शीट पे 12 फ़ोटो तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये फ़ोटो 6 बनानी है तो आप इसको बंद करके लेयर पैनल पे आएंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे एक को, और आप यहाँ पे 6 फ़ोटो भी बना सकते हैं। कंट्रोल टी करके माउस से राइट क्लिक करेंगे, रोटेट करेंगे तो आपके यहाँ पे 6 फ़ोटो भी बन जाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे शिफ्ट दबा के, या आप इसी साइज़ में चाहो तो इसी साइज़ में भी बना सकते हैं। आप 6 फोटो 12 फोटो इस तरह से इस एक्शन के जरिए बना सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।